दोस्तों एक गुड न्यूज़ आ रहा है टिकटॉक यूज़र के लिए। एक बार फिर से इंडिया में कमबैक करने वाला है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, क्या खबर है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया में एक बार फिर से पबजी मोबाइल कमबैक करने वाला है। उसके लिए क्या प्रोसीजर किया गया वो सब आपको मालूम है, बस इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना बाकी है। उसके बाद इंडिया में एक बार फिर से पबजी लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस उसी तरह से टिकटॉक भी एक बार फिर से लॉन्च होने की तैयारी में इंडिया में। तो जब से टिकटॉक बैन हुआ है अप्रोक्स 120 मिलियन यूज़र है टिकटॉक के। तो काफ़ी सारे अदर शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है जहां पर टिकटॉक यूज़र ने स्विच किया, लेकिन जो टिकटॉक यूज़र है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो टिकटॉक में बात है वो किसी भी अदर एप्लीकेशन में नहीं है। तो गाइस इंडिया में टिकटॉक की वापसी कैसे होगी वो सारी डिटेल आपको बताने से पहले, अगर आप टिकटॉक यूज़ करना चाहते हैं वो भी VPN के साथ में, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इस टॉपिक पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। उस वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया किस तरह से आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं अभी भी विद VPN। तो गाइस टिकटॉक की वापसी से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट है मेरे पास, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब इसी तरह का यूजफुल कंटेंट पाने के लिए। सो गाइस टिकटॉक कमबैक को लेकर कुछ आर्टिकल्स मुझे मिले हैं, तो वो मैंने सोचा आप तक भी वो अपडेट पहुंचाया जाए, आप खुद इस चीज को यहां पर रीड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो gnews.com एक वेबसाइट है, वहां पर ये अपडेट मुझे देखने के लिए मिला। तो गाइस टिकटॉक वापसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो आप यहां पर देख सकते हैं, gnews.hindi इस वाली वेबसाइट पर आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इस आर्टिकल में आप यहां पर पढ़ सकते हैं, टिकटॉक से हटने वाला है बैन, चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप यानी कि टिकटॉक को बंद हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके। इस बीच कई सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो लॉन्च हुए, लेकिन टिकटॉक के फैन और यूज़र अभी भी नए ऐप्स पर कम ही माइग्रेट हुए। ऐसे में अब खबर आ रही है पबजी की तरह टिकटॉक भी भारत में एक बार फिर से कमबैक कर सकता है। तो चलिए गाइज मैं आगे भी आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ और क्या लिखा है यहाँ पर टिकटॉक वापसी के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि टिकटॉक पेरेंट कंपनी बाइटडांस में सैकड़ों भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे कि अप्रोक्स 2000 एम्प्लॉई जो काम करते हैं इंडिया में टिकटॉक इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, टिकटॉक इंडिया हेड निखिल गांधी ने भारत के कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ को एक ईमेल किया है। इस ईमेल में उम्मीद जताई है कि टिकटॉक की भारत वापसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और एक यहाँ पर अपडेटेड टेक साइट गिजबेट के अनुसार अब टिकटॉक भी भारत वापसी कर सकती है। चीनी ऐप ने यकीनन जताया कि भारत सरकार से बातचीत करके इस ऐप पर लगे हुए बैन को वापस हटाया जा सकता है। तो गाइस ये वाला आर्टिकल है टिकटॉक की वापसी से रिलेटेड। इस वाले आर्टिकल को अगर आप रीड करना चाहे तो आप जी न्यूज़ की साइट पर जाकर इसको रीड कर सकते हैं। तो गाइस एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि आपको मैंने बताया 2000 एम्प्लॉई है जो कि इंडिया में काम करते हैं टिकटॉक इंडिया के लिए। तो गाइस उनको अभी तक जो दिवाली पे बोनस वगैरह भी मिला और जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो भी कंटिन्यू उनको मिल रही है। इट मीन्स टिकटॉक एक बार फिर से 100% कमबैक करने वाला है इंडिया में। जैसे ही पबजी लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, उसके बाद टिकटॉक 100% वापसी करेगा इंडिया में, बस गवर्नमेंट की एक अप्रूवल मिलने की जरूरत है। तो गाइस जैसे कि आपको पता पबजी पूरी तरह से तैयार है, पबजी ने खुद का जो एक वेबसाइट है इंडियन वेबसाइट पबजी इंडिया वेबसाइट उसको भी रेडी कर लिया है, बस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाए उसके बाद इंडिया में पबजी भी लॉन्च होएगा और उसके बाद टिकटॉक भी लॉन्च होने वाला इंडिया में। तो गाइस इस आर्टिकल को पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं टिकटॉक 100% एक बार फिर से कमबैक करने वाला है। सो गाइस आज की इस वीडियो में टिकटॉक से रिलेटेड बस इतना ही अपडेट था। जैसे ही मुझे और कोई अपडेट मिलता है टिकटॉक के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।